Hello student, I am Renu Shivastav from SBS Children Academy. Today I will teach you math subject. So topic is number names. Topic is number names 1 to 20. आज हम क्या पढ़ेंगे? Number name 1 to 20 with spelling. स्पेलिंग के साथ हम पढ़ेंगे कि नंबर्स नेम पढ़ेंगे, स्पेलिंग भी उसकी लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो आर यू रेडी? लेट स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन. ओके, हम नंबर वन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर वन, वन की स्पेलिंग. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वन? ओ एन ई वन, O N E one. And two, spelling of two, T W O two. Spelling of two, T W O two. And three, T H R double E three. What is the spelling of three? Look at the board, everyone. Look at the board and listen my word carefully. What is the spelling of three? T H R double E three. Okay, spelling of three, T H R double E three. And four, F O U R four. Spelling four की देखिए क्या है, F O U R four. And next five, F I V E five. What is the spelling of five? F I V E five. Okay, F I V E five. And next, S I X six. S I X six. And next seven. What is the spelling of seven? Tell me, what is the spelling of seven? Yes, S E V E N seven. Spelling of seven is S E V E N seven. And next eight, E I G H T. Spelling of eight, E I G H T. E I G H T. Okay. Then nine, N I N E nine. Spelling of nine is N I N E nine. And then 10, T E N 10, T E N 10. Okay, एक बार और लर्न करते हैं स्पेलिंग हम. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वन की स्पेलिंग क्या है. O N E one. O N E one, T W O two, T W O two, T H R double E three, T H R double E three, F O U R four, F O U R four, and F I V E five, F I V E five, then S I X six, S I X six,
S-E-V-E-N, seven. S-E-V-E-N, seven. And eight. E-I-G-H-T, eight. What is the spelling of eight? E-I-G-H-T, eight. And N-I-N-E, nine. N-I-N-E, nine. T-E-N, ten. T-E-N, ten. Okay? आइए देखते हैं 11 की स्पेलिंग. ओके, ई एल ई वी ई एन. 11 की स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है जो आप लोगों को टफ लगती है, 11 और 12 की स्पेलिंग. तो आप लर्न करिए अच्छे से, ई एल ई वी ई एन, 11. ई एल ई वी ई एन, 11. ओके, एंड नेक्स्ट 12. टी डब्ल्यू ई एल वी ई, 12. टी डब्ल्यू ई एल वी ई, 12. एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि 11 और 12 की स्पेलिंग में मोस्टली बच्चे बहुत मिस्टेक होती है उनसे. 1 से 10 तक की स्पेलिंग तो आपको लर्न हो जाती है, लेकिन 11 और 12 में आकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ये थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आपसे मिस्टेक ज़्यादा 11 और 12 में ही होती है. सो इसको आप केयरफुली लर्न करेंगे. तो देखते हैं, ई एल ई वी ई एन, 11. टी डब्ल्यू ई एल वी ई, 12. टी डब्ल्यू ई एल वी ई, 12. एंड 13. टी एच आई आर टी डबल ई एन, 13. टी एच आई आर टी डबल ई एन, क्या हो गया आपका, 13. ये स्पेलिंग क्या है, 13 की. एंड नेक्स्ट 14. एफ ओ यू आर टी डबल ई एन, 14. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 14? एफ ओ यू आर टी डबल ई एन, 14. ओके, 15. एफ आई एफ टी डबल ई एन, 15. स्पेलिंग ऑफ 15 क्या होता है बच्चों? मोस्टली बच्चे 15 की स्पेलिंग जो है रॉन्ग लिखते हैं. रीजन क्या है? जैसे आपने 15 लिखा ना, तो आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 5 की स्पेलिंग लिखते हैं, एफ आई वी ई लिखते हैं. आप क्या लिखते हैं, मिस्टेक आपसे कहाँ होती है, एफ आई वी ई आप लिखते हो, उसके बाद आप लिख देते हो टी डबल ई एन, 15. देखिए, आपसे मिस्टेक यहीं पे होती है, 15 की स्पेलिंग में आप लिख देते हैं, पहले तो आप 5 लिखते हैं, उसके बाद टीन, ऐसे लिख देते हैं, एफ आई वी ई टी डबल ई एन, 15. बट ये रॉन्ग है. ओके स्टूडेंट, ये आप 15 की स्पेलिंग एकदम केयरफुली देखिए कि 5 की स्पेलिंग होती है एफ आई वी ई, 5 की स्पेलिंग क्या होती है, एफ आई वी ई, बट 15 की स्पेलिंग होती है एफ आई एफ, 15, एफ आई एफ टी डबल ई एन, 15. ओके, क्लियर. 16. एस आई एक्स टी डबल ई एन, 16. एस आई एक्स टी डबल ई एन, 16. क्या हुई 16 की स्पेलिंग? एस आई एक्स टी डबल ई एन, 16. एंड 17. एस एस ई वी ई एन टी डबल ई एन, 17. क्या स्पेलिंग है? एस ई वी ई एन, ये आपका ई है, आप इसे ओ मत समझिएगा. एस ई वी ई एन, 17. 17. उसके बाद स्पेलिंग है आपकी 18. ई आई
G-H-T-E-E-N, 18. 18 की स्पेलिंग क्या है? E-I-G-H-T-E-E-N, 18. 18 की स्पेलिंग एक बार फिर से देखिए, 18 की स्पेलिंग क्या है? E-I-G-H-T-E-E-N, 18. ओके, 19, N-I-N-E-T-E-E-N, 19. What is the spelling of 19? What is the spelling of 19? N-I-N-T-E-E-N, 19. And last, 20. T-W-E-N-T-Y, spelling of 20? T-W-E-N-T-Y, 20. हमने क्या पढ़ा अभी? क्या पढ़ा हमने? स्पेलिंग 1 से 20 तक की स्पेलिंग हमने पढ़ी. ओके, 1 की स्पेलिंग पढ़ी O-N-E-1, T-W-O-2, T-H-R-E-E, 3, F-O-U-R, 4, F-I-V-E, 5, S-I-X, 6, S-E-V-E-N, 7, E-I-G-H-T, 8, N-I-N-E, 9, T-E-N, 10. Okay? And E-L-E-V-E-N, 11, T-W-E-L-V-E, 12, T-H-I-R-T-E-E-N, 13. इसमें देखिए, ये 13 में कुछ सेम है. टी एच आई आर के बाद T-E-E-N, T-E-E-N, सब में है. जैसे 13 एक जैसा हो रहा है, 13, 14, 15. बट बच्चों 15 पर आप जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि 15 की स्पेलिंग आप लोग गलत लिखते हैं. 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. ओके, ये हमने 21 से 20 तक की स्पेलिंग हमने क्या की? राइट किया, और इसको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है आपको. ओके, आइए अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करते हैं. यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाई. ओके, ट्री, देन लीफ, लीफ, बॉल, बॉल. ओके, एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल. ओके, ट्रायंगल. एंड बनाती हूँ मैं एक, चलिए ऐसे बनाती हूँ, कैट से बना देती हूँ. ओके, सो यहां मैंने लिखा O-N-E-1, यहां मैंने लिखा T-W-O-2. ओके, फिर यहां मैंने लिखा 6 एंड यहां मैंने लिखा 5. ओके, 5. अब क्या करना है? मैच द ऑब्जेक्ट विद द नंबर नेम. मैच द ऑब्जेक्ट विद, मैच द ऑब्जेक्ट विद नंबर नेम. नंबर नेम्स, मैच द ऑब्जेक्ट विद नंबर नेम्स. नंबर के साथ इस ऑब्जेक्ट को मैच करना है, जैसे कि आपने LKG में भी पढ़ा होगा. बट ये इजी तब होगा जब आपको स्पेलिंग लर्न होगी. यहाँ तो मैंने छोटी छोटी स्पेलिंग, बट आपको सारी स्पेलिंग 1 से 100 तक की लर्न होनी चाहिए. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 2, 3, T H R E E, 3. आपको ऑब्जेक्ट को
नंबर के साथ मैच करना है, ओके okay? ऑब्जेक्ट को नंबर के साथ मैच करना है। तो वन ट्री है तो वन ट्री को वन ट्री से मैच कर दिया, थ्री लीव है थ्री को थ्री से मैच कर दिया। बिकॉज कैसे मैच कर दिया, जब मुझे स्पेलिंग पता है तभी तो मैंने मैच किया। और वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव को मैंने फाइव के साथ मैच कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स को सिक्स के साथ मैच कर दिया, और वन टू टू इसको मैंने टू के साथ ऐसे मैच किया। ये आपने एलकेजी में पढ़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को नंबर के साथ मैच करना, ओके। तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने आपको 1 से 20 तक की स्पेलिंग लर्न कराई और राइट करना भी बताया, और इसके आगे फिर मैं और भी स्पेलिंग आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इस स्पेलिंग को अच्छे से घर पे लर्न करेंगे। और 15 पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, 15 को 15 मत लिखिएगा और लर्न मत करिएगा, ओके स्टूडेंट। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।